गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अनुवांशिकी में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को जानेंगे, जैसे कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं, जीनोटिपिक रेशियो क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट को हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला हेडिंग है कि अनुवांशिकी में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें पहला है जीन। जीन क्या होता है? जीन अनुवांशिकी की, जेनेटिक्स की मूलभूत इकाई है, जो कि गुणसूत्र के ऊपर स्थित होता है। गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि गुणसूत्र किससे मिलकर बना हुआ है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, जो डीएनए से मिलकर बना होता है। और डीएनए का एक पार्टिकुलर भाग, एक निश्चित भाग जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि डीएनए से जो निकला हुआ है वो सॉरी क्रोमोसोम से जो निकला हुआ है वो डीएनए है, और डीएनए के ही पार्टिकुलर भाग जो कि किसी लक्षण के लिए, किसी प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है, उसी को कहते हैं जीन। क्लियर है बच्चों? क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए से। और डीएनए का वह भाग जो किसी लक्षण के लिए, किसी प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है, उसी को कहते हैं जीन। क्लियर है? अब हम लोग देख लेते हैं कि एलील क्या है। एलील जीन का ही एक रूप है। किसी क्रोमोसोम पर जब किसी जीन का दो या दो से अधिक रूप क्रोमोसोम के एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं किसी जीन का एक या अधिक संभावित रूप जो क्रोमोसोम में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम कि एक ही स्थान पर एक है कैपिटल डी और एक है स्मॉल डी, या इस स्थान पर हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर मैं एग्जांपल लिखा हूं कि पौधे की लंबाई के लिए, पौधे की दो संभावित स्थिति हो सकती है अगर लंबाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, या तो पौधा लंबा होगा या बौना होगा। पौधे के लिए जिम्मेदार जो एलील है कैपिटल टी दोनों कैपिटल है, दोनों संभावित रूप कैपिटल है। यहां पर देख रहे हैं कि दोनों स्मॉल टी है, ये भी एलील है। ये क्रोमोसोम के ऊपर ही स्थित जीन का एक रूप है, वैकल्पिक रूप है कि एक ही स्थान पर वो पाया जाता है, वैकल्पिक रूप, या तो कैपिटल टी भी हो सकता है स्मॉल टी भी हो सकता है, या दोनों कैपिटल टी हो सकते हैं या दोनों स्मॉल टी हो सकते हैं। तो बच्चों, इसको भी आप लोग जैसा कि इस फिगर में आप लोग देखे ही थे कि उसमें क्रोमोसोम के ऊपर एक निश्चित स्थान पर ही एक ही जीन का अलग अलग प्रतिरूप है, तो वही कहलाता है एलील। अब हम लोग देख लेते हैं कि एलील की स्थिति जो है वो दो प्रकार की हो सकती है। आप यहां पर देखें, एक हो सकता है होमोजाइगस। आप होमोजाइगस क्या होगा कि जब एलील दोनों एक ही समान हो, जैसे कि जब किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील दोनों एक ही समान हो तो उसे कहते हैं होमोजाइगस। जैसे लंबाई के लिए यदि कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों, आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही रूप में है, वैकल्पिक रूप, यानी एक कैपिटल टी और स्मॉल टी रहता तब तो उल्टा हो जाता, लेकिन दोनों एलील एक ही समान है इसलिए ये कहलाता है होमोजाइगस। यहाँ पे बौनेपन के लिए है स्मॉल टी, ये कहलाएगा होमोजाइगस। चूंकि दोनों एलील जो हैं, जो वैकल्पिक गुण है, वो दोनों एक ही समान है इसलिए ये कहलाता है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है समान, होमो का मतलब होता है समान, और हेट्रो का मतलब होता है असमान यानी विषम। सम
और यहां पर है विषम। विषम युग्मजी क्या होगा कि जब किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील भिन्न भिन्न हो उसे कहते हैं विषम युग्मजी एलील। आप लोग को जब मैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ेंगे तो उसके F1 जेनरेशन में हेट्रोजाइगस एलील प्राप्त होता है। जैसे यहां पर देखें कि यहां पर है जब किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील भिन्न भिन्न हो तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी। जैसे यहां पर देखें कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कहलाएगा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के लिए आप हेट्रोजाइगस के लिए यहाँ पर एक फिगर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लंबाई के लिए F1 जनरेशन में एक पौधा दिखाया गया है जिसमें कि F1 जनरेशन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन उपस्थित है, लेकिन यह पौधा कैसा है, लंबा है, बाहर से दिखाई देगा लंबा, लेकिन उसके जीन स्तर को देखा जाए तो उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। अब देख लेते हैं फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप किसी भी जीव के बाह्य रूप से दिखाई देने वाला लक्षण होता है। जैसे कि आप यहां पर आप फिगर देखें, ये जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो वहां पर ये F1 जनरेशन में ये स्थितियां आएगी कि हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन पौधा कैसा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा, जीन उसका हेट्रोजाइगस है लेकिन बाहर से वो कैसा दिखाई देगा कि लंबा है, तो वो कहलाता है फिनोटाइपिक। किसी जीव में बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं या फिनोटाइपिक कहते हैं। अब इसी प्रकार से है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है किसी भी जीव में जीन की संरचना किस प्रकार है। जैसे हम लोग जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसकी फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो को जानेंगे, तो यहाँ पे 6 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप 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 क्या होता है, किसी भी जीव में जीन की संरचना होती है, किसी भी जीव में जीन की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। अब जीन की संरचना का मतलब क्या हुआ कि जीन की संरचना जब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो पौधा पूर्णतः लंबा हो, पूर्णतः लंबा हो तो दो स्थितियां बनती है कि या तो कैपिटल टी हो या अशुद्ध लंबा हो तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, लेकिन बाहर से देखने में ये भी लंबा होगा और बाहर से देखने में ये भी लंबा होगा। तो बाहर से यदि देखा जाए इसको तो पूर्णतः ये कैसा हुआ, लंबा हुआ, तो ये तो हो गया इसका फिनोटिपिक, ये क्या हो गया फिनोटाइप। लेकिन अगर इसके जीनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप ये अलग है और ये अलग है, यानी कि इसका रेशियो बनेगा 1:1। यदि एक एक पौधा एक शुद्ध लंबा होगा और एक शुद्ध अशुद्ध लंबा होगा।
हेडिंग डालिएगा एक जीनी स्थानांतरण यानी वन जीन इनहेरिटेंस। मेंडल ने सर्वप्रथम एक जीन स्थानांतरण पर अध्ययन किए, एक जीन की वंशागति पर अध्ययन किए। आप लोग थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि मेंडल ने सर्वप्रथम एक जीन की वंशागति पर अध्ययन किए। और जब एक जीन की वंशागति पर अध्ययन किए तो उसे कहा गया एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप एक अलग हेडिंग डालिएगा, एक संकर क्रॉस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने एक जीन के स्थानांतरण के लिए उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे के दो वैकल्पिक गुण लिए। उन्होंने मटर के दो प्रकार के पौधे लिए जो कि एक शुद्ध लंबा पौधा था। मेंडल ने क्या किए कि एक शुद्ध लंबा पौधा लिए जिसका जीन था कैपिटल टी। ये कैसा था, लंबा पौधा था। और जैसा कि आप वहां भी देख रहे हैं कि एक लंबा पौधा लिए और एक शुद्ध बौना पौधा लिए। ये कैसा पौधा है, बौना पौधा है। जिनकी जो एलील है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसका जो गैमिट बनेगा, आप देखेंगे कि इसका जो गैमिट बनेगा वो दो गैमिट होंगे, कैपिटल टी और इसका जो गैमिट बनेगा स्मॉल टी बनेगा। बच्चों ये क्या है, ये दोनों का गैमिट है, ये गैमिट है। अब इनके बीच क्रॉस कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, मेल और फीमेल पौधा है और इससे जो गैमिट बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका जो संकरण कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो ध्यान देना ये जो पौधा बना इसका जो जीन बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है। F1 क्या होता है, F1 जेनरेशन। पहली पीढ़ी से जो भी प्रोजीनी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी को। ठीक इसी प्रकार इससे और इससे जो कॉम्बिनेशन बना, देखिए अभी मैं पहला को ही लेकर चल रहा हूँ, आपको कॉम्बिनेशन बनाने में आगे इसका बहुत उपयोग आएगा। कैपिटल टी है, पाला में लिया स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसी को लिया और इसके दूसरे जीन को, तो यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हुआ। फिर इसको अब ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, तो देखिए अभी भी क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर जो बना ये भी किस प्रकार का होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि जो भी पौधा F1 जेनरेशन में हुआ उसके जो जीन हैं हेट्रोजाइगस हैं,
उसके जीन कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। आप यहाँ पर भी आप एक बार ध्यान दो, देखो आपको एक फिगर के माध्यम से भी बताया जा रहा है, बता रहे हैं कि ये एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, जिसका जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल टी है, और उसका कैपिटल टी है, उसका स्मॉल टी है, दोनों के बीच क्रॉस कराया गया है। तो जो F1 पीढ़ी में जो पौधे उत्पन्न हुए हैं वो कैसा है, सारे के सारे का जीनोटिपिक जो जीन देखा जाए तो हेट्रोजाइगस है, और वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। इनका ये सारे जो जीन हैं ये हेट्रोजाइगस हैं, लेकिन ये चारों सभी दिखाई कैसे देंगे, सभी के सभी एक जैसे दिखाई देंगे, वो सारे अशुद्ध लंबे होंगे। कैसा होगा, अशुद्ध लंबा। ये सारे जो उत्पन्न हुए ये कैसा उत्पन्न हुए, अशुद्ध लंबा हुए। आप उसके भी माध्यम से देख सकते हैं। पहला आपको ध्यान देना है कि जो लंबा पौधा है कैपिटल टी है, उससे जो गैमिट बने वो इस प्रकार से हैं, लेकिन सारे जो पौधे हुए अशुद्ध लंबा हुए। अब उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी, यहां से आपको पहले यहां पर ध्यान देना, यहां से इन्होंने जो एक नियम प्राप्त करेंगे वो होगा प्रभावितता का नियम। और जब F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। ये तो हो गया F1 पीढ़ी। उन्होंने क्या किया कि F1 पीढ़ी के पौधों को, ये हुआ F1 पीढ़ी के पौधों को लिए, और उन्होंने क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही सारे पौधे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब इसका जो गैमिट बनेगा आप देखो, कैपिटल टी एक बना स्मॉल टी, इसका भी क्या बनेगा, कैपिटल टी एक बनेगा स्मॉल टी, राइट, यही बनेगा बच्चों। आप एक बार में बनाना सीख लोगे, कोई बहुत हार्ड पॉइंट नहीं है। अब इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो आप ध्यान देना कि क्या होगा, अब अलग होने वाला है। अलग क्या हुआ, कैपिटल टी बना तो यहां पर होगा कैपिटल टी, ये हुआ ठीक, हम उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसा उसमें किए हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अब इसको लिए और ये पहला जो हुआ, अब क्या बना, अब बना ये स्मॉल टी कैपिटल टी। देखिए आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी का है या स्मॉल टी कैपिटल टी का है, ये दोनों एक जैसे हैं। और ये जो बना इसको हम लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पर इनके अलग अलग प्रारूप दिखे। अब प्रारूप क्या दिखा, देखिए ये तो हो गया शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, और ये जो दोनों हो गए अशुद्ध लंबा है, लंबा ही, लेकिन ये कैसा लंबा है, अशुद्ध लंबा। यहां पर चूंकि दोनों के एलील थे, कैपिटल टी भी था स्मॉल टी भी था, ध्यान देना बच्चों, आपको एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, आपके मन में भी शायद हो सकता है कि उसके प्रति जागरूकता हो कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो लंबा क्यों हुआ, इसीलिए तो इसे प्रभावी गुण कहा गया था। मैं जब प्रभाविता, प्रभावी गुण के डोमिनेंट की बात कर रहा था तो वहां पर बताया था कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है वो प्रभावी गुण होता है। यहां पर एलील कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, यानी कि कैपिटल टी लंबे के लिए स्मॉल टी बोने के लिए दोनों है, लेकिन स्मॉल टी वाला जो गुण है वो दब गया है और कैपिटल टी वाला गुण दिखाई दे रहा है। दोनों का जीन लेकिन दिखाई कौन दिया, जो लंबा है, इसलिए जो लंबा है वो प्रभावी है।
तो F1 पीढ़ी में केवल कैसा दिखाई दे रहा है, अशुद्ध लंबा। अशुद्ध क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जीन जो है बौनेपन का भी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है तभी तो उसे अप्रभावी कहा जा रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है तभी उसे प्रभावी गुण कहा जा रहा है। अब यहां पर देखें, यहां पर दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है, इसलिए ये क्या है, शुद्ध लंबा है। और यहां पर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, चूंकि लंबा और बौना जब भी दोनों रहेगा तो लंबेपन का जो गुण है बौनेपन पर प्रभावी है, तो ये दिखाई कैसा देगा, ये भी लंबा दिखाई देगा। लेकिन जीन आप देखें तो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। हाँ, बौनापन कब दिखाई देगा, इस स्थिति में जो कि यहां पर स्थिति बनी हुई है, वो उस स्थिति में ये शुद्ध बौना होगा। बौनापन तभी दिखाई देगा जब उसके दोनों एलील होमोजाइगस स्थिति में हो। होमोजाइगस स्थिति अभी मैं बताया था। तो यहां पर देखिए, अब यहीं से हम लोग फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो देखें। यहां पर यदि देखें फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब हो गया कि बाहर से जो लक्षण दिखाई देता है, बाहर से जो दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप, तो बाहर से दिखाई दिया कैसा, ये जो तीन हैं लंबे दिखाई दे रहे हैं और एक जो है ये बौना दिखाई दे रहा है, तो जीन फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, 3:1, 3:1। कैसे, क्योंकि तीन जो एक ये और दो ये तीन दिखाई दे रहा है लंबा और एक दिखाई दे रहा है बौना। लेकिन इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, इसके जीनोटाइप की बात करें, आपसे ये रेशियो पूछा जाता है, जीनोटाइप की बात करें तो देखिए बाबू, ये जो हो गया कैपिटल टी एक, और ये जो हो गया स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी की संख्या कितनी है, दो है, और बौना ये वाला जो जीन है केवल एक है, तो क्या हो जाएगा, 1:2:1। क्योंकि आप यहां पे नहीं भी लिख, यहां पे जैसे मैं एक बार मिटाया था, एक बार बाद में किया, तो इसको आप दर्शा सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो के रूप में। ठीक है बाबू, तो ये है फिनोटिपिक रेशियो और ये है जीनोटिपिक रेशियो। अब बात आती है कि इसका एक स्क्वायर चार्ट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पुनेट चार्ट। पुनेट चार्ट बनाने का एक रूल देख लीजिए, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए पुनेट चार्ट कुछ इस प्रकार से होता है, जो एलील होते हैं एक तरफ लिखे जाते हैं मैटर्नल माता का, एक तरफ लिखा जाता है पैटर्नल यानी कि पिता का। तो मान लीजिए ये हो गए एक पेरेंट, एक जनक हो गए जैसे मेल, और ये हो गया फीमेल। इनके जो गैमिट बने, क्या कौन कौन से गैमिट बने, एक तरफ मैं फीमेल का लिख, मेल का लिख दे रहा हूँ, ऊपर जो लिखा जाता है मेल का लिखा जाता है, तो मेल का है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और इस तरफ भी लिखा जाता है, अब इसका लिखेंगे तो इसका भी है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। अब इसमें हम लोग क्रॉस करा देंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी, फिर इसका और इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका और इसका कराए तो स्मॉल टी कैपिटल टी, और फिर इसका और इसका कराए तो स्मॉल टी स्मॉल टी।
ये कैसा हुआ? इसमें हम लिख सकते हैं शुद्ध लंबा। ये कैसा हुआ? अशुद्ध लंबा। ये भी अशुद्ध लंबा। और ये शुद्ध बौना। तो ये इसको हम कहते हैं पुनेट, पुनेट चार्ट। बहुत आसान है पुनेट चार्ट बनाना। मैं आप लोगों को ये पूरा जो क्रॉस दिखाया, ये पूरा जो बच्चों अभी क्रॉस दिखाया, आप एक इस फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिगर के माध्यम से पहले आप बोर्ड पर इसे अच्छे से समझ लें। मैं क्या कहा कि लंबे पौधे पौने पौधे लिए इसका गैमिट बना। देखिए दो हैं तो दोनों गैमिट बन सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन से, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। एक एक को क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना आप लोग अच्छे से सीख लीजिएगा। मैं जैसे जैसे एक का कराया, फिर इसका एक लिया, फिर इसका एक लिया, फिर ये एक किए। आप एक दो बार करेंगे आसानी से ये बन जाएगा। इसके करने के बाद एक मैं अलग फिगर से भी बता रहा हूं, आप उस फिगर से भी आप देखते चलें। जैसा भी इसमें पुनेट चार्ट बताया गया है कि एक तरफ पेरेंट में मेल का गैमिट रखते हैं, दूसरी तरफ फीमेल का गैमिट रखते हैं। तो मेल का गैमिट देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। फीमेल का गैमिट है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर आपस में क्रॉस कराया गया है टी टी, फिर टी स्मॉल टी। इसमें देखें तो स्मॉल टी कैपिटल टी इस लाइन में है ना, तो इस लाइन में इसमें कौन सा होगा? स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी होगा, और फिर स्मॉल टी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक संकर क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो बना। अब इस एक संकर क्रॉस से मेंडल ने दो सिद्धांत दिए। दोनों सिद्धांत को अभी हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट। तो बच्चों अब हम लोग जो अभी हम लोग एक संकर क्रॉस देखे थे, उससे मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाले और मेंडल के कौन कौन से नियम को मान्यता मिला, उसको हम लोग देख लेते हैं। मेंडल ने एक संकर क्रॉस से दो नियम दिए थे। एक दिए थे प्रभावितता का नियम और दूसरा था शुद्धता का नियम या पृथककरण का नियम या विसंयोजन का नियम। तो सबसे पहले हम लोग पहला जो नियम आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो नियम है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में। वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि मेंडल के एक संकर क्रॉस पर आधारित प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें, या मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। तो अभी हम लोग एक संकर क्रॉस देखे, तो एक संकर क्रॉस में क्या हो रहा था कि मेंडल ने एक लंबे पौधे लिए, एक बौना पौधा लिए, दोनों से जो गैमिट बना तो लंबे से बना था कैपिटल टी और बौने से बना था स्मॉल टी, और जब उनके बीच क्रॉस कराया गया था तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे हुए थे, लेकिन अशुद्ध लंबे हुए थे। उसमें बौनेपन का जीन था लेकिन वो बौना दिखाई नहीं दे रहा था, इसी को कहा गया प्रभाविता का नियम। वही चीज लिखा गया है कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के प्रभाविता के नियमानुसार जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, दो विपरीत लक्षण का मतलब एक लंबा, एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है। एग्जाम्पल स्वरूप मेंडल ने जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लंबा का जो जीन था वो कैपिटल टी था तथा शुद्ध बौना का जो जीन था स्मॉल टी था के बीच क्रॉस कराए तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध लंबे उत्पन्न हुए। इसको हम लोग
एग्जाम्पल के नीचे ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, ये कैपिटल टी जो कि शुद्ध लंबा और स्मॉल टी ये क्या है, शुद्ध बौना। इससे जो गैमिट बना वो क्या बना, कैपिटल टी, और इससे जो गैमिट बना स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। हम एक भी बना सकते हैं लेकिन हम सारे जीन को दर्शा रहे हैं कि सारा एलील भी है, ये क्या बना है, गैमिट है, ये दोनों क्या हैं, गैमिट हैं। इसका और इसका क्रॉस कराया गया था जब आपस में कॉम्बिनेशन बना तो कैपिटल टी। आप इधर जो है इस फिगर के इधर जो है एक जो फिगर दिखाया जा रहा है उस माध्यम से भी इसको देख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका लिए और ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका लिए फिर ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये जो बना स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये सारे के सारे पौधे जो F1 पीढ़ी है ये क्या है, F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन, F1 पीढ़ी। इसमें जो सारे पौधे बने वो कैसे बने, अशुद्ध लंबे, आप देख सकते हैं सारे के सारे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन इसके जीन देखेंगे तो एक लंबेपन का है, एक बौनेपन का है, दोनों के जीन हैं, दोनों के एलील हैं, लेकिन बौनेपन के होने के बावजूद भी ये बौना दिखाई नहीं दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी वाला लंबा दिखाई दे रहा है। इसलिए सारे में सारे के सारे जो जीन हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, सारे के सारे जीन या एलील कहें वो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, लेकिन स्मॉल टी दब जा रहा है, रिसेसिव है, अप्रभावी है, लेकिन कैपिटल टी उसके ऊपर क्या है, प्रभावी है। इसलिए ये एफ वन पीढ़ी में केवल कैसा उत्पन्न हुए, लंबे हुए, लेकिन वो कैसे हैं, अशुद्ध लंबे हैं। तो यही है प्रभाविता का नियम। तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको सही से कर लीजिएगा। आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आ सकता है कि प्रभाविता का नियम क्या है। तो प्रभाविता का नियम क्या है, जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं मेंडल का जो दूसरा नियम था एक संकर क्रॉस पर, उसको इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग एक संकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के द्वितीय नियम को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि एक संकर क्रॉस पर आधारित यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मेंडल के कौन कौन से नियम है। तो ध्यान रखिएगा, मेंडल का प्रथम नियम जो कि प्रभाविता का नियम था, और मेंडल का द्वितीय नियम भी एक संकर क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के द्वितीय नियम के कई नाम हैं, उस नाम को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के द्वितीय नियम, इसका पहले सभी नाम को ध्यान रखिए। इसको कहते हैं विसंयोजन या पृथककरण का नियम, इसको हम लोग एक अदर नाम से जाने, विसंयोजन या पृथककरण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहला हो गया, या इसे कहते हैं शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्यूरिटी की व्याख्या करें। ये दोनों जो वैकल्पिक नाम हैं, इस नाम को बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि तीन नाम से पूछा जा सकता है। मेंडल के द्वितीय नियम को बताएं, विसंयोजन का नियम बताएं, पृथककरण का नियम बताएं, या शुद्धता का नियम बताएं। तो ये जो नियम है
वो जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों को दोबारा क्रॉस कराए और F2 पीढ़ी के पौधे जब उत्पन्न हुए, तो वो जो रिजल्ट था इनका द्वितीय नियम को बताता है। क्योंकि F1 पीढ़ी में सारे पौधे कैसे थे? अशुद्ध लंबे थे, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी था। लेकिन जब F2 पीढ़ी में पौधे हुए तो शुद्ध लंबा भी हुआ जो कैपिटल टी था, अशुद्ध लंबा भी हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी भी था, और शुद्ध लंबा भी हुआ, तो शुद्ध पौधे भी उत्पन्न हुए, जिस कारण इसे शुद्धता का नियम भी कहा गया। पृथक्करण का नियम क्यों कहा गया? क्योंकि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ था, लेकिन F2 पीढ़ी में ये दोनों बिल्कुल अलग हो गए। अलग हुए तभी ना बच्चों, कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबा भी उत्पन्न हुआ, स्मॉल टी शुद्ध बौना भी उत्पन्न हुआ, और दोनों एक साथ भी एक जगह पे रहे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी हम लोग देखेंगे पृथक्करण का नियम क्या है कि F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षण के एलील कैपिटल टी स्मॉल टी साथ साथ होने के बावजूद भी F2 पीढ़ी में वे पृथक हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। इन्होंने क्या किया, जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के अशुद्ध लंबे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराए, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त हुआ। आप यहां पर इसको देख भी सकते हैं कि F1 जो पीढ़ी था, F1 में इन्होंने क्या लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि अशुद्ध लंबा है, और एक लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी था अशुद्ध। इनसे जो गैमिट बना वो था कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे जो गैमिट बना, ध्यान दें, इससे भी जो गैमिट बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका जब क्रॉस कराया गया तो देखिए ये क्या हुआ, कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस इससे हुआ तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इससे क्रॉस हुआ तो बना स्मॉल टी कैपिटल टी, और फिर जब इसका और इसका हुआ तो ये हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि ये जो पौधा बना ये कैसा हुआ, शुद्ध लंबा, और ये जो दोनों बने अशुद्ध लंबा, और ये जो हुआ शुद्ध बौना। और इसी से आप इसकी संख्या देखें, चार में जो एक हुआ लंबा, ये दो हुआ अशुद्ध लंबा, और एक जो हुआ शुद्ध बौना। तो इसका जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप वो क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1। क्लियर है बच्चों? और फिनोटिपिक रेशियो तो आप लोग जानते ही हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप यानी बाहर से देखने में कैसा प्रतीत होगा। तो ये दोनों तो लंबा ही है ना, तो फिनोटाइप देखा जाए, फिनोटाइप भी ऐसे यहां पे लिख देते हैं, फिनोटाइप जो रेशियो होगा 1:2, ये तीनों जो है लंबा दिखाई दे रहे हैं, तो 3:1। तो आपका मेंडल के दो नियम आज हम लोग देखें, कौन कौन से, एक देखे प्रभाविता का नियम, दूसरा देखे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या शुद्धता का नियम। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, बल्कि आप दो बार, कम से कम दो बार नियम को एक बार याद करके एक बार
देखिए समझने को तो आप लोग को पूरे पॉइंट को समझा दिए हैं, लेकिन एक दो बार अपने से लिख कर उसको तैयार रखिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा ही, बोर्ड एग्जाम में। बाकी यहाँ से आगे के भी हम लोग पार्ट को देखेंगे, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।